हेलो व्यूवर्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं इंजीनियर नरेश कुमार आप सभी के लिए एक और जो है आईटी की जो है लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हूँ। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की आईटी से रिलेटेड सभी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो साथियों, जो आईटी का जो अभी रिजल्ट आया था तो उसमें जो काफ़ी सारे बच्चों की जो खामियां थी रिजल्ट के लिए, तो उसके रिगार्डिंग डीएसटी ने जो हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि आप जो उसको कैसे खुद ही ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए बकायदा अखबार में जो है यहाँ पर कटिंग भी आई है। तो देख सकते हैं कि छात्र खुद सही कर सकेंगे अपनी मार्कशीट की जो गड़बड़ी है। तो उसके लिए जो अभी डीजीटी ने आपके लिए ग्रेवियंस जो पोर्टल जो बनाया है जिसके ऊपर आप अपना ग्रेवियंस क्रिएट कर सकते हैं, तो आप खुद ही जो है अपनी मार्कशीट में जो आपके रिजल्ट से लेकर या नेम, फादर नेम, आपका खुद का नाम या डेट ऑफ बर्थ या फोटो गलत है तो वो सब कुछ आप सही कर पाएंगे। आपको अब कहीं आईटीआई या विभाग में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और इस जो प्रोसेस में पूरा 3 से 45 दिन का जो है विभाग को जो है टाइम समय लेता है। 30 से 45 दिन के बीच में जो आपने जितने भी छात्रों ने ग्रेवियंस क्रिएट किए उसका जो संशोधित आपका सही होकर आ जाएगा। तो इसके लिए रिगार्डिंग जो है यहाँ कटिंग भी अखबार में आई है आपकी लखनऊ से है कि अगर आपके माता पिता अभ्यर्थी या जन्मतिथि या फोटो गलत हो तो कॉलेज विभाग के दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। आप छात्र खुद ही एनसीबीटी पोर्टल पर जो अपनी गलती सही कर सकेंगे और सही सूचना अपडेट करने के बाद अगले 30 से 45 दिनों में विभाग की ओर से जो आपकी मार्कशीट ठीक कर दी जाएगी। और ये ncbtms.gov.in वेबसाइट का पोर्टल यहाँ पर दिया हुआ है। और जो भी गलती है आपके रिजल्ट में, अगर कोई जो बता रहे थे बच्चे कि हमारे शून्य दिखाया जा रहा है या आपके ग्रेस मार्क नहीं है या आपको लगता है कि आपकी जो है नंबर आपका पेपर अच्छा हुआ था और आपके जो मार्क उतने नहीं आए हैं तो आप जो है ग्रेवियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रेवियंस क्रिएट कैसे करनी है उसके लिए भी हमने ऑलरेडी आपके लिए अलग अलग वीडियो भी बनाया हुआ है कि अगर आपको मार्कशीट में करेक्शन कराना है तो कैसे कर सकते हैं, अगर प्रोफाइल में करेक्शन करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उसमें आप डायरेक्ट वो वीडियो का लिंक देख सकते हैं वहाँ से, अगर आपने अभी तक ग्रेवियंस नहीं किया है तो। क्योंकि जो बच्चे इच्छुक है करवाने के तो वो अभी करवा लीजिए क्योंकि अभी आपके पास समय है। और डीएसटी भी अब पूरा जो कार्य कर रहा है, काफ़ी बहुत सारे बच्चों ने जो है ग्रेवियंस क्रिएट किया है। तो जैसे ही किसी बच्चे का अपडेट होगा ग्रेवियंस तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो आपके लिए जो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपने दिया था वो आपका वैलिड होना चाहिए, उसी पे ओटीपी आएगा तभी आप इसमें सुधार कर पाएंगे। अगर आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अगर आपका नहीं है तो आपको जो है इसमें दिक्कत आने वाली है। तो इस दिक्कत के लिए अपनी आईटीआई से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। तो साथ ही यही जो है लेटेस्ट अपडेट थी। जिन छात्रों ने अभी तक ग्रेवियंस नहीं किया तो वो कर सकते हैं ताकि जल्द ही आपका रिजल्ट में जो खामियां है या प्रोफाइल में कोई गलती है तो वो ठीक हो सके विभाग की तरफ से। तो ये साथियों पहली बार ऐसा मौका दिया जा रहा है डीएसटी की तरफ से कि ऑनलाइन ही आप स्वयं ही जो है इसके लिए कर पाएंगे। नहीं तो पहले तो बच्चों को जो है काफ़ी दौड़ धूप लगानी पड़ती थी आईटीआई में, फिर विभाग के थ्रू जाता था डीएसटी में, काफ़ी लंबा प्रोसेस था। तो आप खुद ही इस चीज़ को अब कर पाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपके लिए की गई है। तो ऐसे जो भी छात्र हैं जिनके प्रोफाइल में दिक्कत है या रिजल्ट में तो वो फटाफट ग्रेवियंस कर दें। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा साथियों। जय हिंद।